Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मैं आपका एजुकेटर अमित मिश्रा आपके साथ फिर से एक बार। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स की। रिवीजन हमारा है हर एग्ज़ाम के लिए है, लेकिन बेसिकली हमारा ये जो टाइम है अभी आरआरबी जेई के बच्चों को समर्पित है, लेकिन करंट अफेयर्स है, हर एग्ज़ाम में आता है, तो कोई भी बच्चा ये क्लास कर सकता है। और जैसा कि आप मेरे पीछे स्लाइड पर देख पा रहे हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ का बैच हमने लॉन्च किया है। लास्ट ईयर भी हमने लॉन्च किया था और काफ़ी बढ़िया रिजल्ट रहा है। करीब 200 बच्चे हमारे बैच में थे और जिसमें से केवल एसबीआई पीओ में 9 बच्चे सेलेक्ट हुए। बैंक ऑफ बड़ौदा और बहुत सारे बैंकिंग एग्जाम बच्चे सेलेक्ट हुए। तो अगर आपके कोई दोस्त यार सखी सहेलियां कोई भी हैं जो कि एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन करना चाहती हैं या आप खुद करना चाहते हैं, तो आप हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें रीजनिंग पढ़ाएंगे सुजय मोदी सर, मैं जीए के लिए हूँ, क्वांट पढ़ाएंगे उत्कर्ष सर, और इंग्लिश पढ़ाएंगे हमारे नितिन सर। इनके लिए हम लोग बोलते हैं फटा पोस्टर निकला हीरो, है ना, हीरो के तो लगते भी हैं हमारे नितिन सर। चलिए तो बात करते हैं दोस्तों आज के अपने शो की और क्या क्या क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। देखिए, हम लोग अभी अक्टूबर मंथ को टारगेट कर रहे हैं, अक्टूबर मंथ को, फिर सितंबर, फिर नवंबर करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे, सारे करंट अफेयर्स आपको देंगे, आपको इस पर बने रहना है। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पे आ रहा है, जो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि लिटिल इंडिया गेट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। 27 अक्टूबर को लिटिल इंडिया गेट का उद्घाटन कहाँ पे, किस देश में हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। 5 ऑप्शन आपके सामने हैं, इंडोनेशिया, मालदीव, सिंगापुर, श्रीलंका, वियतनाम, क्या इसका आंसर होना चाहिए। लिटिल इंडिया गेट, अगर नाम को ध्यान से पढ़ें तो इंडिया, और इंडिया है तो इंडोनेशिया होगा, बिल्कुल इंडिया से मतलब था, तो आंसर हमारा क्या होगा, इंडोनेशिया। आप यहां पे देख पा रहे हैं तो इंडोनेशिया में लिटिल इंडिया गेट का उद्घाटन हुआ था, एक इवेंट था वहां पर, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर यहां पर आ रहा है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज पूछी गई है, जिसका परीक्षण ओडिशा तट पर हुआ था। ओडिशा तट पर डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड है, वहां पे ये हुआ था। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि अभी अग्नि 1 मिसाइल का परीक्षण हुआ, कहां से हुआ, तो यहां पर अग्नि 1 मिसाइल का रेंज आपसे पूछा गया और यह बताया गया है कि ओडिशा के तट पर इसका परीक्षण हुआ, तो क्या इसका आंसर हुआ, देख लेते हैं यहां पर। चलिए, हाँ, गुड इवनिंग भैया, सब लोग को गुड इवनिंग, सब लोग यहां पर आ चुके हैं, सब रॉक स्टार्स हैं और सब आज यहां पे बढ़िया आंसर करेंगे, और ये देखते हैं आंसर कौन देता है पहले। तो अभी तक आंसर नहीं आया है, आउटस्टैंडिंग स्टार बोल रहे हैं 750, रॉयल्स बोल रहे हैं 700, क्या इसका आंसर होगा। देखिए, जब आप जाएंगे नेट पर तो लिखा होता है 700 to 800, लेकिन अब यहाँ पे 800 भी ऑप्शन में है, तो 7 जहाँ से शुरुआत होती है हम उसको लेते हैं, आंसर क्या होगा, आंसर हमारा होगा 700, जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। बेटा 750 नहीं, 700 से 800 है, लेकिन आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देना है, तो 700 ही आप बोलोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपके हमारे स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, देखिए तो यहाँ पर एक अवार्ड की बात हुई है कि लड़कियों के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उनके कार्यों के लिए निम्नलिखित में से किसे ग्लिट्समैन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ग्लिट्समैन अवार्ड किसको मिला 2018 का, ये आपसे पूछा गया है। और बात हो रही है लड़कियों के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, तो आई होप कि ये इसमें आप लगाइए रीजनिंग और आप इसका सही आंसर दे लेंगे आराम से, क्या इसका आंसर हो सकता है। चलिए अंशुल पांडे, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। लोकेश, आप बैंकिंग वाले हैं, आई होप कि आपने NISCL का फॉर्म भरा होगा, और अगर आपने NISCL का फॉर्म भरा होगा तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी उम्मीद रखती है, ठीक है। चलिए, और आंसर क्या होगा, आंसर मलाला यूसुफ जई है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, कमेंट आ रहे हैं बिल्कुल झूमते हुए। चलिए, जब आप लोग को आंसर पता होते हैं तो कमेंट के साथ, कमेंट देख के लगता है कि यार खुश हैं आप लोग, मतलब कोई स्माइल कर रहा है, कोई आग लगा दे रहा है कमेंट में, और जब आंसर नहीं होते तो आंसर थोड़े वीक लगते हैं, कमजोर लगते हैं। चलिए देखते हैं क्या आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए यहां पर, अब यहां पर देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात हुई है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट आपसे पूछी गई है, और ये इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट साइट है, एग्जाम में आने की पूरी उम्मीद है, और ये भी उम्मीद, पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसके सारे आंसर दे लेंगे, सारे बच्चे इसका सही आंसर देंगे। मोहम्मद असू, आप लेट हो, कोई बात नहीं, लेट आइए, देर आइए, दुरुस्त आइए, कहा गया है ना। चलिए, हाँ, झूमते हुए आंसर बिल्कुल आ रहे हैं यहाँ पर। चलिए और आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा, अभिषेक कोचर काफी खुश है यहाँ पर। चलिए, और अब इस क्वेश्चन का सोना अरविंद ने पहला आंसर यहाँ पर दे दिया है, और जल्दी देखते हैं यहाँ पर, देवांशीष बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग स्टार, बहुत बढ़िया। हाँ, झूमते हुए आंसर यहाँ पर भी आ रहे हैं, द आंसर इज 182 मीटर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, ठीक है, खुश होने की जरूरत नहीं, अभी क्वेश्चन और आएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5,
पूछा गया कि किसे दो और दो साल के लिए, मतलब कि ये पहले भी थे, दो साल के लिए इनको और HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है, मतलब कि मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द HDFC बैंक। और ये भी इसमें भी मेरे ख्याल से आंसर झूमते हुए ही आने वाले हैं, बिकॉज बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और क्या इसका आंसर होगा? शुभान जी आप लेट हो गए, कोई बात नहीं, आप रॉक स्टार्स हैं, देर से आए हैं, दुरुस्त आए, आप रॉक स्टार्स बनिए, VIP रॉक स्टार्स मत बनिए, VIP लोग लेट से आते हैं, है ना। चलिए और आंसर दीजिए, और आंसर आदित्यपुरी है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने यहां पर देख लीजिए। आज आपको हाई कोर्ट के जज का रिविजन काफी हो जाएगा, कल भी मैंने क्वेश्चन दिया था और आज भी क्वेश्चन काफी है इसमें, ठीक है। देखिए तो विजय कुमार बिस्ट की बात हो रही है, विजय कुमार बिस्ट जो है ये किस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, ये आपसे पूछा गया है, किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। देखिए और यहां पर 5 ऑप्शन आपके पास है, व्हाट इज द राइट आंसर, आपको सही आंसर चूज करना है, क्या इसका सही आंसर होने वाला है। सॉरी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा, गुजरात, सिक्किम, उत्तराखंड, और आंसर क्या होगा देखते हैं यहां पर, व्हाट इज द राइट आंसर। एंड पवन कुमार ने यहां पर बोला है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और आतिश बोल रहे हैं सिक्किम, ठीक है, क्या इसका आंसर होगा, एंड द आंसर इज सिक्किम। सिक्किम, विजय कुमार बिस्ट, तो सिक्का ऐसे करो, सिक्के सिक्का हमने पा लिया बचपन में, नहीं सिक्के विक्के लुटाए जाते थे तो हम लोग मतलब लूटते थे, है ना, शादी वादी में, तो सिक्का हमने पा लिया, विजय मिल गई, सिक्का सिक्किम विजय, तो इस तरह से कुछ कहानी बनाएंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। हालांकि मैं करता नहीं था, मैंने कल एग्जांपल के लिए समझाया है तुम लोगों को, ठीक है। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एक्चुअली हमारे घर के बगल में मंदिर है, तो जब भी शादियाँ वादियाँ होती हैं तो जो भी आपको पता है ना, शादी के पहले लोग मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत पैसे वैसे लुटाए जाते हैं, तो हम लोग भी देखते थे तो इसलिए बोला, ठीक है, गलत मत समझिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। The government of India has renamed Telecom Commission as, तो भारत सरकार ने दूरसंचार आयोग का नाम बदलकर एक नया नाम कर दिया है, क्या होगा ये देख लीजिए। नहीं नहीं नहीं, लही लूटते थे। चलिए और आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा, यहां पर आपके सामने ऑप्शन है, व्हाट इज द राइट आंसर। डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन, डिजिटल इंडिया टेलीकॉम पॉलिसी, यहाँ पे 5 ऑप्शन है और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग 1 ऑप्शन बोल रहे हैं, मीतल 3 बोल रहे हैं, नहीं गलत है बेटा। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन। देखिए अभी एक बच्चे ने यहाँ पे पूछा, संगीता ने पूछा कि नहीं, किसी ने पूछा कि बैंकिंग की क्लास कब होगी। देखिए अभी कोई एग्जाम नहीं है बेटा, परेशान ना हो, जब बैंकिंग के एग्जाम्स आएंगे तो अपने आप आपके लिए शो लग जाएगा, हमें हर बच्चों को साथ में लेके चलना है। और करंट अफेयर्स भी तो बैंकिंग का पार्ट, मतलब बैंकिंग में तो आता है ना बेटा, तो ये समझिए, तो हमें हर बच्चों को साथ में लेके चलना है बेटा, सबका साथ सबका विकास कहा भी गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला, देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया कि बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, बॉम्बे हाई कोर्ट की बात हो रही है और 5 ऑप्शन आपके सामने है, क्या इसका आंसर होगा। यहां पे टेक तूफानी भी हैं, सही आंसर दे रहे हैं, सर्वेश कुमार वेरी गुड, शैलेश परमार बहुत बढ़िया, सुमित पूछ रहे हैं टेक्निकल कब होगी। देखिए टेक्निकल के लिए अगर हम बात करें तो आपके जो परिकल्प सर हैं वो टेक्निकल पढ़ाते हैं, तो एक बार उनसे आप पूछ लीजिएगा, वरना मैं उनसे बात कर लूँगा, ठीक है। बिल्कुल, ये क्लैट जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर्स आती है उसके लिए सेशन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए और आंसर क्या होगा इसका देख लेते हैं यहाँ पर, एंड द आंसर इज, हाँ लोकेश बैंकिंग अवेयरनेस बेटा टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, ये मेरा वादा है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए बेटा, अभी एग्जाम में टाइम है। मैं तो ये बोलूंगा जो बैंकिंग वाले बच्चे हैं वो अभी मैथ रीजनिंग और इंग्लिश पर कमांड अच्छे से कर लें, जीए के लिए मैं हूँ बेटा, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, देखो कैसे याद करें, पाटिल, तो पाटिल जो टाइटल है वो महाराष्ट्र में ज़्यादा मिलती है, DY पाटिल स्टेडियम भी यहाँ पर है ना, तो कभी कभी इस तरह भी कहानी बनाओगे तो याद रहेगा, नाम भूलोगे नहीं तुम लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं आपके सामने। चलिए और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर, तो निम्नलिखित में से किन देशों ने समुद्र विज्ञान उपग्रह CFOSAT का निर्माण किया है, दो देश ने मिलकर समुद्र विज्ञान की बात करें, मतलब जो समुद्र में वेव्स होती हैं उनसे क्या क्या हो सकता है, या मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं ना कि कभी समुद्र में तूफान आ गया, कोई तूफान कहाँ पर जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो ये सबको नॉलेज देने के लिए इन दो देशों मिलकर CFOSAT एक सेटेलाइट का निर्माण किया है, इनका नाम आपको बताना है, क्या इसका आंसर होगा। 5 ऑप्शन नहीं,
क्वेश्चन देखो, उसका आंसर देखो क्या इसका आंसर है। और यहाँ पर चाइना एक आंसर मत दो, दो दोस्तों दो, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है फ्रांस एंड चाइना। चाइना और फ्रांस ने मिलकर इस सैटेलाइट को बनाया है, याद कर लीजिएगा, साइंस और टेक्नोलॉजी का ये पार्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर देखिए 10th क्वेश्चन आपके सामने। तो अब आपसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा गया है। न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द गुवाहाटी हाई कोर्ट ऑन 29th अक्टूबर की बात हो रही है, क्या इसका आंसर होगा? गुवाहाटी की बात हो रही है, क्या इसका आंसर हो सकता है? देखिए यहां पर 5 ऑप्शन आपके सामने हैं। शर्मा जी कोई बात नहीं है, आप लेट हो गए हैं, कोई बात नहीं, चलिए और रोहित शर्मा की तरह बैटिंग करिए, बढ़िया से आंसर दीजिए यहां पर। और क्या इसका आंसर होगा? चाइना फ्रांस तो मैंने बता दिया, आप नए क्वेश्चन का आंसर दो जी। चलो और यहां पर आंसर आना शुरू हो गया है। सोना अरविंद ने पहला आंसर दिया है। श्रावणी बोल रही है कि नेशनल पार्क का ट्रिक काफी हेल्पफुल था, बट बहुत बढ़िया बेटा, और भी ट्रिक्स पढ़े हैं, पढ़ लीजिएगा। और इसका आंसर है आपका जस्टिस A.S. बोपन्ना, ऑप्शन नंबर 2। तो बोपन्ना याद कर लीजिएगा, बोपन्ना गुवाहाटी। तो कुछ कहानी बना लीजिएगा, BG, बी फॉर बोपन्ना, जी फॉर गुवाहाटी, इस तरह से कुछ कहानी बना लीजिएगा तो आपको चीजें याद रहती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। इंडिया की पहली इंजनलेस ट्रेन, इसका नाम आपको बताना है। ये तो मतलब अगर आपने आज मेरा करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो उसमें भी मैंने नाम बताया था, हालांकि इसका नाम चेंज हो गया है। अभी आप जो आंसर देने वाले हैं इसका नाम भी चेंज हो गया है, और इसका नाम बच्चे आप लोग बताओगे मुझे नया नाम क्या हो गया। इसका आंसर मैं दे रहा हूँ, ट्रेन 18 इसका नाम था, लेकिन आज के ही करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ाया कि ट्रेन 18 का नाम चेंज हो गया है। क्या हो गया ये आपको बताना है, कमेंट दे दिए, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, नया नाम ट्रेन 18 का नया नाम क्या हो गया? चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर देखिए वेल क्वेश्चन, इंडिया का पहला रोबोटिक डायनासोर पर एक गैलरी का उद्घाटन किस स्टेट में हुआ, यह आपसे पूछा गया और आपको इसका आंसर देना, क्या इसका आंसर होगा? वंदे भारत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोग पढ़े करेंट अफेयर्स, वेरी गुड अमरजीत, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहां पर, क्या इसका आंसर होगा? प्रिया बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे, अमित बहुत बढ़िया, मोहम्मद असफ, प्रवीण बहुत अच्छे, मुकेश बहुत बढ़िया, और आंसर दीजिए क्या इसका आंसर होगा? कपूरथला पंजाब, कपूरथला पंजाब इज राइट आंसर, बहुत अच्छे आप लोग और डीप में आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया, रियली प्राउड ऑफ यू गाइस, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन आपके सामने यहां पर देख लीजिए, स्पोर्ट्स पर क्वेश्चन है, गोल्फ पे क्वेश्चन है। तो किसने दिल्ली गोल्फ क्लब में पैनासोनिक ओपन इंडिया का खिताब जीता? पैनासोनिक ओपन इंडिया टाइटल एट द दिल्ली गोल्फ क्लब किसने जीता, ये आपसे पूछा गया। फिर देख लीजिए, दिल्ली गोल्फ क्लब में पैनासोनिक ओपन इंडिया का खिताब किसने जीता है, देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। नागेंद्र मिश्रा जी, ठीक है, आपने मॉर्निंग पढ़ा, बिल्कुल सही पढ़ा आपने मॉर्निंग में। चलिए और आंसर दीजिए क्या इसका आंसर होगा, यहां पर देखते हैं। और एक वीडियो मैं आज लेके आने वाला था, कल आ रही है आपकी वेनेजुएला क्राइसिस, वीडियो देखिएगा, थोड़ा सपोर्ट करिएगा, थोड़ा सा लीक से हटकर बनाया है, और इश्यूज पर बहुत सारे मेल थे कि इश्यूज बनाइए, तो एक इश्यूज पर मैंने वीडियो बनाया है, थोड़ा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट आपकी होगी। ठीक है, देखिएगा वीडियो को। और आंसर बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ पर, कलीन जोशी, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या है, 14 क्वेश्चन, डिफेंस एक्सरसाइज की बात हो रही है, और पूछा गया कि धर्म गार्जियन जो डिफेंस एक्सरसाइज है वो इंडिया कौन से देश के साथ करता है। तो अगर आपने मेरा डिफेंस एक्सरसाइज का वीडियो देखा होगा, एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने ट्रिक भी बताई थी कि भाई एशिया में डेवलपमेंट के मामले में इंडिया का गार्जियन कौन है, कौन इंडिया में बुलेट ट्रेन में हेल्प कर रहा है, कौन इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कौन है, कौन वाराणसी को क्योटो की तरह डेवलप कर रहा है, जापान। आंसर क्या होगा हमारा, आंसर हमारा होगा जापान, जापान इज राइट आंसर। गिरिराज बेटा यही है आरआरबी जय के लिए, यही हमारा है, हमारा डेली शो 5 o'clock पर शुरू होता है बेटा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके सामने। देखिए, ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बने, अक्टूबर की बात हो रही है, तो ब्राजील के नए राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया है और आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर होगा? हरीश बोल रहा है मिजोरम में हुआ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए और अब इस क्वेश्चन का आंसर दें, क्या इसका आंसर होगा? मोहम्मद औसुफ, PDF मिल जाएगा, आज के करंट अफेयर्स का PDF और 28 जनवरी के करंट अफेयर्स का PDF आज के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख लीजिएगा, डलवा दिया बेटा। ठीक है, चलिए चलो क्या इसका आंसर होगा देख लीजिए यहाँ पर, एंड द राइट आंसर इज बिल्कुल सही, JR बोल्सनारो, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, 16 क्वेश्चन, प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड की बात हो रही है, तो आयरलैंड के राष्ट्रपति के रूप में कौन चुना गया है, ये आपसे पूछा गया है। और यहाँ पर फिर से 5 ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, सही आंसर आपको देना है। हाँ, JR बोल्सनारो सही आंसर था, वो तो मैं मान रहा हूँ। अब आयरलैंड के प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं, चलिए क्या इसका आंसर होगा यहाँ पर? अंशुल पांडे, वेरी गुड, 42nd नंबर, बहुत बढ़िया।
जी पिंटू बिल्कुल, जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर्स आएगी वो सारे एग्जाम के लिए ये हमारा क्लास जरूरी है बेटा, ठीक है। और इसका आंसर है माइकल डी हिगिंस, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, क्या आप लोग को ऑप्शन में हिंदी में चाहिए क्या? अगर ऑप्शन हिंदी में चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, यस बोल देंगे तो मैं कल से कोशिश करूंगा कि मैं ऑप्शन भी आपको हिंदी में दूं, यस कर दीजिएगा मुझे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने 17 क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा मेरे सामने, देखिए, एक होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ये भी आपका एक ब्लैक मनी वनी जो होती है उस पर नजर रखता है कि ब्लैक मनी को लोग व्हाइट में जो कन्वर्ट करते हैं। तो पूछा गया है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जिसे हिंदी में हम प्रवर्तन निदेशालय बोलते हैं, इनके डायरेक्टर निदेशक कौन अपॉइंट हुए हैं, ये आपसे पूछा गया है और आपसे इसका आंसर देना है। अरुणिमा बेटा, ये हमारा जो है आज हमारी चौथी क्लास है, तो ये अभी लेटेस्ट शुरू हुआ है, हमें 5 o'clock पर शुरू हुआ है बेटा, ठीक है। अच्छा, नो भी बोल रहे हैं, यस भी बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए और आंसर दीजिए, ठीक है ठीक है, यस वालों की मेजोरिटी ज्यादा है, ठीक है। चलिए और इसका आंसर दें, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है संजय कुमार मिश्रा। तो संजय कुमार मिश्रा राइट आंसर है आपका, ठीक है। तो ये प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक अपॉइंट हुए हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, सही है। हाँ उपेंद्र बेटा, हिंदी में मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो पेटीएम ने अपना एक नया पेमेंट एप्लीकेशन लॉन्च किया है, पेपे, किस देश में लॉन्च किया, ये आपसे पूछा गया। भाई इंडिया में तो पेटीएम के नाम से वर्क कर रही है, तो इंडिया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें हम 2018 के, मतलब एक ही वीडियो में पूरा हम कवर कर देंगे, पूरे एक ही वीडियो में पूरे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हम कर देंगे, ठीक है। चलिए और आइए आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा, और ये जापान होगा, जापान इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 19 क्वेश्चन आपके सामने। किस राज्य ने पशु संजीवनी सेवा योजना शुरू की है, पशु संजीवनी सेवा योजना किस स्टेट ने शुरू की है, ये आपसे पूछा गया है। मैंने कल भी बोला था कि स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम से क्वेश्चन आता है, तो देख लीजिएगा क्या इसका आंसर होने वाला है। चलिए आइए देखते हैं कौन इसका आंसर पहला देता है यहाँ पर, और यहाँ पर देखते हैं, चाइना जापान तो खत्म हो गया ना, इसकी बात करो जी, उत्तर प्रदेश की बात करो, राजस्थान की बात करो, क्या इसका आंसर होगा। और देवाशीष बोल रहे हैं हरियाणा, ठीक है, और उत्तर प्रदेश भी आंसर आ रहे हैं, क्या इसका आंसर होगा। अजय जापान बोल रहे हैं, अच्छा पहले वाला जापान, हाँ जापान पशु संजीवनी, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हरियाणा, हरियाणा ने शुरू किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ रोज होता है, रोज 5 बजे करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज की हम बात करते हैं, अपने दोस्तों को, यारों को, सखी सहेलियों को, सबको बता दीजिए कि हम करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं 5 बजे, तो ताकि वो लोग भी आकर इसका लाभ लें, ठीक है। आइए 20th क्वेश्चन, विच पेमेंट बैंक, मतलब किस भुगतान बैंक ने सतीश कुमार गुप्ता को अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किया है। तो पेमेंट बैंक आप लोग जानते होंगे, एयरटेल पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है, तो इसने, इनमें से किस बैंक ने सतीश कुमार गुप्ता को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है। यहां पर 5 ऑप्शन आपके सामने है, वॉट इज द राइट आंसर। चलिए तो क्या इसका आंसर देना है, देखिए यहाँ पर, और देवाशीष बोल रहे हैं पेटीएम, और देख लेते हैं आंसर, सोना पेटीएम बोल रहे हैं, ठीक है, मीनू पेटीएम, हरीश पेटीएम बोल रहे हैं, ठीक है, व्हाट इज़ द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज, तो यहाँ पे देखिए सही आंसर आपको यहाँ पर बस मिलने वाला है, और ये जो आंसर आपका है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है, पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस देवाशीष कर गुप्ता को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया। मैंने क्या बोला था, कभी कभी नाम को पकड़ा करो, देवाशीष कैसा नाम लग रहा है, क्या ये यूपी का नाम है या साउथ का नाम है या ये महाराष्ट्र वाला नाम है, सोचो देवाशीष के नाम से लोग कहां पर होंगे। एक देवाशीष मोहंती बॉलर था, वो किस स्टेट से था, है ना, देवाशीष नाम के लोग किस स्टेट में मिलेंगे, रीजन लगाओ, आंसर तुम्हारे सामने होगा, कैसा आंसर होगा। पंकज आज के करंट अफेयर्स में फिर से बेटा जाओ, वहां पे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया हुआ है, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ठीक है बेटा, लगा दिया है, बिल्कुल सही आंसर, आंसर इस कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, देवाशीष, है ना, इस तरह भी याद कर सकते हो, पाटिल महाराष्ट्र, मुंबई बॉम्बे हाईकोर्ट, देवाशीष कहां पर हो गया आपका, ये आपका हो गया ये वेस्ट बंगाल, और इसके पहले सिक्किम, विजय, हाँ याद कर लेना ये सब चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 22वां क्वेश्चन आपके सामने, यूनाइटेड नेशंस डे इज ऑब्जर्व, मतलब संयुक्त राष्ट्र दिवस हर वर्ष किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपसे पूछा गया और आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर होने वाला है, देख लीजिए। जी जी जी
उपेंद्र मिश्रा, बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं यहाँ पर। चलिए और आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा? सुनार अरविंद ने फिर से बाजी मार ली है, पहला आंसर दिया है। और देखते हैं यहाँ पर, उसके बाद शंभू जी हैं, उन्होंने भी आंसर दिया है। मीनू यादव ठीक है, इसका आंसर क्या, इसका आंसर आप क्या, 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा 23rd क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, देखिए। तो ब्रांड एम्बेसडर इंपॉर्टेंट है, ब्रांड एम्बेसडर, ठीक। तो कल मैंने आपको नोकिया का ब्रांड एम्बेसडर पढ़ाया था, आलिया भट्ट है। तो आज पूछा गया है, तो मारुति सुजुकी का एक एरेना शुरू लॉन्च किया ना उन्होंने, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? और ये क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। क्या इसका आंसर होगा? मेरे ख्याल से आप लोग उसका आंसर दे देंगे। एंड द राइट आंसर यहाँ पर देखते हैं कौन पहला आंसर देता है यहाँ पर। अच्छा हाँ, आरती आपने पहले आंसर किया, आपस में लड़ाई लड़ा नहीं, चलो कोई बात नहीं। वरुण धवन इज राइट आंसर, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वरुण धवन इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सहले वर्क जेहदे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? सहले वर्क जेहदे किस देश की महिला राष्ट्रपति बनी है, ये आपसे पूछा गया है, और आपको इसका आंसर देना है। क्या इसका आंसर है देख लीजिए यहाँ पर। हाँ, ये डेली डेली क्लास होती है, 5 o'clock पर डेली क्लास होती है बेटा, ठीक है। और व्हाट इज द राइट आंसर? और फिर से सोनार अरविंद ने पहला आंसर दिया है, एंड द आंसर इज इथोपिया। इथोपिया इज राइट आंसर। राजेश कुमार, हाँ जी, आपका पहला था, ठीक है। तो इथोपिया इज राइट आंसर। इथोपिया करेंसी क्या है जरा बताओ मुझे, तुम लोग इतना बोल रहे हो, इथोपिया की करेंसी क्या है जरा बताओ, जल्दी से बताओ मुझे। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज रिसीव द टॉप चैलेंजर्स अवार्ड 2018? तो किस कंपनी को टॉप चैलेंजर्स अवार्ड प्राप्त हुआ है? यहाँ पर 5 ऑप्शन आपके सामने हैं, टॉप चैलेंजर्स अवार्ड। ये कंपनी मिनी रत्न कंपनी में से आती है, और आपको इसका आंसर देना है क्या इसका आंसर होने वाला है। तो टॉप चैलेंजर्स अवार्ड किस कंपनी को मिला है? हाँ बिर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए तुम लोग, रॉकस्टार हो। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मोहम्मद असुफ रैंड जो है ना, वो साउथ अफ्रीका करेंसी है बेटा, ठीक है। और आंसर इसका है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अवार्ड्स एंड प्राइजेस। तो पूछा गया कि अपनी पुस्तक जैस्मीन डेज के लिए, साहित्य के लिए JCB पुरस्कार किसने जीता, ये आपको बताना है। तो लिटरेचर के लिए ये प्राइज दिया जाता है, JCB प्राइज। तो ये जैस्मीन डेज एक बुक आई थी, इसके ऑथर कौन है? ये मलयालम राइटर है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको इसका आंसर देना है। वॉट इज द राइट आंसर? चलिए आंसर दीजिए, कंप्यूटर जी थोड़ा सा AC बंद कर दीजिए। तो जैस्मीन डेज की हम बात कर रहे हैं, क्या इसका आंसर होगा देख लीजिए यहाँ पर। हाँ इथोपिया, राहुल, हाँ इथोपिया करेंसी बिर है, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। और यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया, और इस बार पहला आंसर दिया है आरती ने, वेरी गुड। फिर देवाशीष यहाँ पर है, चलिए। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका बेन्यामिन है, बेन्यामिन मलयालम राइटर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके सामने देखिए यहाँ पर। वर्ष 2018 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसने प्राप्त किया, ये आपसे पूछ लिया गया है। और यहाँ पर 5 ऑप्शन आपके सामने हैं, व्हाट इज द राइट आंसर? ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, और जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं वो इन सारे क्वेश्चन के आंसर दे देंगे, मुझे पता है। तो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द ईयर 2018, क्या इसका आंसर होगा देख लेते हैं। और आंसर आने शुरू हो गया यहां पर फिर से, और यहां पर आंसर सोना अरविंद ने पहला दे दिया है, बहुत बढ़िया। और आंसर क्या है? आंसर है यहां पर फली एस नरीमन। तो कंप्यूटर जी बदला ले रहे थे ना थोड़ा सा, मतलब कि ठंड, मतलब थोड़ा सा AC चला दिए है ना, ठीक है कोई बात नहीं है। तो फाली एस नरीमन इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। 28 क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है, देखिए। 2018 का वर्ल्ड हेल्थ समिट स्टार्टअप पुरस्कार किसने जीता है? इस फीमेल ने, हाँ सॉरी फीमेल है, ठीक है, इस फीमेल ने जो नेत्रहीन लोग हैं उनके लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एप्लीकेशन बनाया था ताकि उनको हेल्प मिले कुछ थोड़ी सी, तो उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है, वर्ल्ड हेल्थ समिट स्टार्टअप। व्हाट इज द राइट आंसर देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पे कमेंट आना धीमे हो गया है, क्या ये क्वेश्चन टफ है क्या, देखते हैं कौन इसका पहला आंसर देता है। फाली एस नरीमन इज राइट आंसर, ठीक है। एंड द राइट आंसर इज आपका ऑप्शन नंबर 4, रूपम शर्मा इज राइट आंसर, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा लोग, और बात करते हैं 29 क्वेश्चन की आपके सामने यहाँ पर, देखिए। तो ब्रिटेन में लीड्स में 2018 विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप खिताब किसने जीता, ये आपसे पूछ लिया गया है।
रूपम शर्मा राइट आंसर, ठीक है बहुत बढ़िया। सुशांत कुमार साहू भी हैं हमारे साथ और सही आंसर दे रहे हैं यहाँ पर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या इसका क्वेश्चन हमारा होने वाला है। देख लीजिए आपके सामने फिर से पांच ऑप्शन है, यहाँ पे विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप की बात हो रही है जो ब्रिटेन में हुआ, किसने जीता ये आपको बताना है। और यहाँ पर अनूप बोल रहे हैं कपिल गुप्ता, कपिल तो ऑप्शन में ही नहीं है। और पंकज आडवाणी बोल रहे हैं बच्चे लोग, इसका आंसर है सौरभ कोठारी, सौरभ कोठारी इज राइट आंसर, याद कर लीजिएगा सौरभ कोठारी। मैक्सिम बच्चे पंकज आडवाणी बोल रहे हैं, नहीं सौरभ कोठारी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तो किस देश के साथ पंजाब सरकार ने किसानों के मुद्दों को हल करने और राज्य में भूजल स्तर को जो कम हो रहा है उसके लिए एग्रीमेंट किया है। मतलब पंजाब के चीफ मिनिस्टर इस देश में गए थे और वहां पर जैसे जो एग्रीकल्चर की लैंड है, पंजाब एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें और कैसे ज़्यादा फर्टिलिटी बढ़ाया जाए या जो ग्राउंड लेवल जो पानी का है वो कम हो रहा है उसे कैसे रोका जाए, इसके लिए ये स्टेट पंजाब स्टेट गया था किसके पास, वो आपको बताना है, देश आपको बताना है क्या इसका आंसर होगा। एंड द आंसर इज इज़राइल, इज़राइल इज राइट आंसर, पंजाब इज़राइल। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 31 क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2018 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार जीता, ये आपसे पूछा गया, आपको इसका आंसर देना है। फिर देख लीजिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार, काफी ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है और आपको इसका सही आंसर देना है। व्हाट इज द राइट आंसर, देख लीजिए यहां पर क्या इसका आंसर होगा। ओके ओके ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द यूएन ह्यूमन राइट प्राइज फॉर द ईयर 2018, व्हाट इज द राइट आंसर। एंड द राइट आंसर इज, एंड द राइट आंसर देख लीजिए यहाँ पर, जोइनिया वापिचाना ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नाम थोड़ा टफ है लेकिन याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। नहीं मीनू यादव जी मनाना नहीं, फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 32nd क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर। तो भारत के राष्ट्रपति, भारत के ऑनरेबल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किस जगह पे अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का उद्घाटन किया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, तो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने किया। कहां पे किया अब आपको ये बताना है। रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल आर्य महासम्मेलन ऑन 25th अक्टूबर, वेयर, ये क्वेश्चन है। एंड द राइट आंसर इज, अभी तक आंसर नहीं आ रहे हैं किसी के, देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। हाँ वापी चरण जी को छोड़िए, आगे बढ़िए और इस क्वेश्चन की बात करें। देवाशीष गलत हो गया आपका आंसर, ललिता बिल्कुल सही आंसर दिया आपने इस बार यहां पर, सुनील वेरी गुड बेटा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली इज राइट आंसर। हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो ये रहा आपके सामने, देखिए 33rd क्वेश्चन। तो यहां पर फिर से एक बात हो रही है, इवेंट की बात हो रही है यहां पर, कि जो हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी हैं इन्होंने कृषि कुंभ किसानों का एक विशाल सम्मेलन का उद्घाटन किया, किस जगह पे किया ये आपसे पूछा गया है। कृषि कुंभ की बात हो रही है, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड कृषि कुंभ अ मेगा फार्मर कॉन्क्लेव इन दिस प्लेस, आपको इसका आंसर देना है। कृषि कुंभ नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया, पहले ये बात याद रखिए, कहां पर हुआ ये आपको बताना है। और यहां पर बच्चे आंसर दे रहे हैं, न्यू दिल्ली तो ऑप्शन में नहीं है, छस के पहले वाला होगा। और सोनावी लखनऊ बोल रहे हैं, ठीक है, और देख लेते हैं यहां पर लखनऊ प्रयागराज सौम्या बोल रही है क्या इसका आंसर होगा। एंड द राइट आंसर इज, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, लखनऊ, लखनऊ इज राइट आंसर। कल भी हमने इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की बात की थी, लखनऊ में हुआ था, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 2018 में ब्रिक्स का 10th जो समिट था वो कहां पर हुआ, 10th ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स का मतलब आप जानते होंगे ना, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स समिट की बात करें इस बार कहां पर हुआ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2018 का। क्या आप लोगों को यह पता है कि 2019 का ब्रिक्स समिट कहां पर होगा, यह भी मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। तो क्या इसका आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर है साउथ अफ्रीका। तो 2019 का, 2019 का ब्रिक्स समिट कहां पर होगा, यह भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, तो यह भी मुझे कमेंट में आप बताएं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारा ब्राजील में होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए 35 क्वेश्चन की बात करते हैं और यहां पर हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट की। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे चुना गया है, ये आपसे पूछा गया और आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर होने वाला है। ब्राजील, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इंडिया नहीं जी, अश्वनी कुमार। चलो और आंसर दो मेरे इस क्वेश्चन का, क्या इसका आंसर होने वाला है, और देखते हैं क्या इसका आंसर आप लोग देने वाले हैं। देख लीजिए यहां पर, तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात हो रही है, अभी तक आंसर नहीं आए हैं और यहाँ पे सोना अरविंद ने फिर से पहला आंसर दे दिया है। अब ये पहला आंसर देते हैं तो क्या करें,
चलिए, एंड द राइट आंसर इज जस्टिस रमेश रंगनाथ. जस्टिस रमेश रंगनाथ इज राइट आंसर, जो आपने यहाँ पर दे दिया है. ठीक है, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर 36 क्वेश्चन. तो म्यांमार में भारत का राजदूत किसे चुना गया है, ये आपसे पूछा गया है. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज एम्बेसडर टू द म्यांमार. आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर होने वाला है. ठीक है, चलिए तो आंसर आपको देना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार मैं आपसे पूछ भी चुका हूं और आपको इसका आंसर देना है. मोहम्मद साकिब, जो इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, आप एक काम करिएगा, इसकी पीडीएफ अभी यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको मिल जाएगी. नहीं मिलती अगर तो थोड़ा सा एक घंटे रुक जाइएगा, लिंक मैं यहाँ पे डलवा दूंगा. ठीक है, चलिए और आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होने वाला है. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, सौरभ कुमार. सौरभ कुमार इज राइट आंसर. दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 37 क्वेश्चन की. देखिए यहाँ पर, किसे, किस पर्सन को प्रतिष्ठित इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी शिक्षक पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है. तो हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी टीचर्स अवार्ड 2018. बढ़िया क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर देना है, व्हाट इज द राइट आंसर. देख लीजिए, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी शिक्षक पुरस्कार की बात हो रही है, 5 ऑप्शन हमारे पास है, क्या इसका आंसर होना चाहिए. चलिए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, आशीष मुखर्जी. आशीष मुखर्जी इज राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. मैक्सिमम लोग बीके रॉय आंसर दे रहे हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा 38 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिए. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट. अब ये एक्टिंग नहीं रहे हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया, ये आपको बताना है. मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं. देखते हैं क्या आंसर आप लोग देते हैं यहाँ पर. चलिए, तो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात हो रही है, क्या इसका आंसर होगा. और यहाँ पर सोनाविंद ने गोविंद माथुर बोल दिया है, मीनू गोविंद माथुर बोल रही है. ठीक है, एंड द आंसर इज जस्टिस गोविंद माथुर. गोविंद माथुर इज राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 39 क्वेश्चन. तो इनमें से किसको सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, देख लीजिए फिर से एक बार. तो सियोल पीस प्राइज किसको मिला है, यहाँ पे अमिताभ बच्चन भी हैं, कैलाश सत्यार्थी भी हैं, के राधाकृष्णन हैं, नरेंद्र मोदी हैं, बाबा रामदेव हैं. बाबा रामदेव पहली पसंद है मेरी, मैं तो बाबा रामदेव बोलूंगा. आप लोग क्या आंसर देंगे बताइए, सियोल शांति पुरस्कार. चलिए बताइए क्या इसका आंसर होगा. और यहां पर आंसर आने शुरू हो गए हैं, चलिए देखते हैं, कोई रामदेव साथ नहीं जा रहा है यहां पर. एंड द राइट आंसर इज, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, यहां पे दिखा देते हैं, तो नरेंद्र मोदी हमारा सही आंसर है. ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके सामने. देखिए, ऑनलाइन अनारक्षित टिकट खरीदने के लिए रेलवे ने एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है, ये एप्लीकेशन का नाम क्या होगा. मतलब कि अगर आपको टिकट खरीदना है, जो मतलब जनरल वाला जो होता है, तो आप इस एप्लीकेशन से ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं. ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे ना, जो कि ट्रेन जो है वो हमारी संपदा है, हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, और ट्रेन का टिकट लिए बिना बहुत चले होंगे, है ना. हमारे कंप्यूटर जी भी बहुत चले हैं. ठीक है, तो अब आप किसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर है. अवस्ट्रैक प्ले, आप रॉकस्टार हैं यार, है ना. चलिए, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है यूटीएस मोबाइल. यूटीएस मोबाइल है, याद रखिए यूटीएस मोबाइल है. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. हमारा 41 क्वेश्चन आपके सामने देखे यहाँ पर. तो किस संगठन ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित ग्राहक सेवा एप्लीकेशन खुशी का अनावरण किया है, ये आपको बताना है. मतलब सिंपल सा कि खुशी एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है, ये आपको देखना है. आंसर दीजिए, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अनवील्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कस्टमर सर्विस एप्लीकेशन खुशी, और क्या इसका आंसर होगा, देखते हैं यहां पर. कोई लड़का ऐसा हो सकता है जो विदाउट टिकट यात्रा न किया हो और शादी वादी में बिना बुलाए, जैसे जब शादियों के सीज़न आते हैं तो जो बच्चे बाहर रहते हैं उनके चेहरों पे चमक आ जाती है, तो बिना बुलाए खाना वाना खाने गए होंगे ऐसा, मतलब मैं मान ही नहीं सकता. अब मुझे मत देखना इस तरह से, मैंने नहीं सब करते हैं कंप्यूटर जी. चलिए आंसर दिए, क्या इसका आंसर होगा, देख लीजिए यहाँ पर. एंड द राइट आंसर इज पीएनबी मेटलाइफ. पीएनबी मेटलाइफ इज राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 42 की आपके सामने यहाँ पर है. देखिए क्या इसका आंसर होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अक्टूबर को इस जगह पे 36वें भारतीय कालीन एक्सपो का उद्घाटन किया. फिर से एक बार इवेंट पर क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर होने वाला है, देख लीजिए यहाँ पर.
देख लीजिए आंसर क्या होगा यहां पर, ठीक है। यहाँ पे हैंड रेज हो रहे हैं कि मैंने किया है, मैंने किया है। कंप्यूटर जी आप अकेले नहीं है, बहुत लोग हैं आपके साथ। चलिए और आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा, देख लीजिए यहाँ पर बेटा। हाँ, वाराणसी। एक्चुअली कालीन का जो मेन वर्क है वो मिर्ज़ापुर, मतलब जो हमारा शहर है भदोही हो गया, और वाराणसी ये आसपास के ज़िले हैं, यहीं पर काम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, वाराणसी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, 43rd क्वेश्चन। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से किसने 2018 शक्ति भट्ट प्रथम पुरस्कार जीता। तो जितने लोग यहां पर हैं, जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, उसमें से किसने शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज जीता, ये आपको बताना है, क्या इसका आंसर होगा। भारती जी, ये क्लास हमारी डेली 5 o'clock पर शुरू होती है, आपको 5 o'clock पर आना है बेटा, ठीक है। और आरती हमेशा सपोर्ट करती है हमारा, बोलती है हिट द लाइक बटन गाइस, जितने लोग देख रहे हो उतने लोग ही वीडियो को लाइक कर दीजिए हमारे, ठीक है। और क्या इसका आंसर होगा, यहां पर आंसर आने शुरू हो गए हैं, एंड द आंसर इज सुजाता गिडला, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देवाशीष नहीं बेटा गलत है, अनीता नायर नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 44 क्वेश्चन आपके सामने। तो ये स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया है कि विजय हजारे ट्रॉफी, तो ये क्वेश्चन इस तरह बन सकता है कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से बिलोंग करती है, तो क्रिकेट से बिलोंग करती है, ठीक है। तो बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में इसका फाइनल मैच हुआ, तो किसने जीता ये आपसे पूछा गया। देखो हारा कौन है, दिल्ली, दिल्ली हारा है, किसने जीता ये आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। यहां पर 5 ऑप्शन आपके सामने हैं, व्हाट इज द राइट आंसर, जल्दी आंसर करिए यहां पर। और आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मुंबई, मुंबई ने दिल्ली को हरा दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहां पर आ चुका है, देखिए 45 क्वेश्चन। तो फिर से इंडेक्स पर एक क्वेश्चन है, कल भी हमने इंडेक्स पर क्वेश्चंस किए थे, आज भी हम कर रहे हैं यहां पर। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी थी, ये आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक के अनुसार भारत की रैंक क्या है, ये आंसर तो दीजिए, और मुझे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर भी बताइए, मैंने आज ही मॉर्निंग के करंट अफेयर्स में ये पढ़ाया था। तो स्टैटिक का भी मैं क्वेश्चन पूछ के आपका रिवीजन कराता रहूंगा, ठीक है। और अभी बहुत जल्दी मैं अपने इस शो में स्टैटिक के क्वेश्चन भी ले आऊंगा, ताकि स्टैटिक के जो क्वेश्चन आते हैं, नेशनल पार्क हो गया, डेज हो गया, गवर्नर हो गया, ये भी आपके हो जाए इसमें, ठीक। चलिए आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर, 58 आंसर, बिल्कुल आंसर एकदम झूमते हुए आ रहे हैं इस बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 46 क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पर डिफेंस एक्सरसाइज की बात हो रही है। लास्ट ईयर डोकलाम विवाद होने की वजह से इन दो देशों के बीच में हैंड इन हैंड डिफेंस एक्सरसाइज रुक गया था, लेकिन दिसंबर में फिर से हैंड इन हैंड एक्सरसाइज हुआ। ये आंसर है चाइना, चाइना इसका आंसर है, देख लीजिए यहां पर। तो इंडिया एंड चाइना इज राइट आंसर, दो दो बार मैंने आंसर दे दिया आप लोगों को, ठीक है, चाइना हमारा सही आंसर है। कोलोगनी है, मयंक सिंगल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कोलोगनी, ये मुझसे पढ़े भी हुए हैं तो सही आंसर दे रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस में दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, इंडिया चाइना, हाँ हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके सामने, 2019 में होने वाला अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेलों का आयोजन कौन सा देश करेगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो मिलिट्री वर्ल्ड गेम जो है 19 में होगा, कौन इसकी मेजबानी करेगा, ये आपसे पूछा गया है और आपको इसका आंसर देना है, व्हाट इज द राइट आंसर, बताइए जल्दी बताइए मुझे क्या इसका आंसर होगा। यहां पर चाइना, चाइना होगा, ठीक है, सुनारविंद भी खुश हो गए हैं, 3-3 बार बोले हैं चाइना, क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, चाइना इज राइट आंसर, नेक्स्ट। चलिए बढ़िया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर देखिए। तो हु हैज वॉन द प्रेस्टिजियस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड, 2018 का प्रतिष्ठित वन्य जीव फोटोग्राफर पुरस्कार किसने जीता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देख लीजिए, ये जो जीते हैं इन्होंने चाइना के जंगलों में नीले मुंह वाले मंकीज की फोटो ली थी, इसीलिए इनको ये अवार्ड मिला था, क्या इसका आंसर होगा, देख लीजिए यहां पर जल्दी से बेटा मुझे आंसर करें, क्या इसका आंसर होगा, देख लीजिए यहां पर। एक्चुअली कमेंट मैं इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि मुझे यह भी देखना होता है कि आपके परफॉर्मेंस का लेवल क्या चल रहा है, ठीक है। और आंसर आना शुरू हो गया है, तो इसका आंसर है मार्शल वॉन ओस्टेन, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 49 क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर देखिए। तो 18 अक्टूबर को किसे वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के कोषा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, यहां 5 ऑप्शन आपके सामने हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने किसे अपना इलेक्ट किया है ट्रेजरर,
तो आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। और क्या इसका आंसर होगा देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। आपको जल्दी से आंसर देना है बेटा, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर पांच ऑप्शन आपके सामने हैं, एंड द राइट आंसर इज, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन, सज्जन जिंदल। सज्जन जिंदल इज राइट आंसर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं महावीर पनवर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द सजेशन। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ ठीक है, आंसर आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आ चुका है, 50th क्वेश्चन आपके सामने। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल और संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया, तो कहाँ पर हुआ ये देख लीजिए। तो पुलिस के लिए म्यूजियम बना है देश में, कहाँ बना है क्वेश्चन इस तरह बन सकते हैं, किसने उद्घाटन किया ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देख लीजिए यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका न्यू दिल्ली। उद्घाटन किसने किया, तो आपको आंसर पता है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हुए आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शुभ शुभ 51 क्वेश्चन डेली में लेके आपके लिए आ रहा हूं यहां पे, ठीक है। एक बुक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बुक है, इसका नाम है इंडियन स्पोर्ट्स कन्वर्सेशन एंड रिफ्लेक्शन। तो इस बुक के ऑथर कौन है, यही क्वेश्चन पूछा गया। सिंपल सा क्वेश्चन है और ये बुक मैं करा चुका हूँ, ये बुक मैं करा चुका हूँ पहले भी अपने शो में। आप देखिए क्या इसका आंसर होने वाला है। पांच ऑप्शन आपके पास है यहाँ पर, क्या इसका आंसर होगा। एंड द राइट आंसर इज, जी हाँ, एंड द राइट आंसर इज विजयन बाला। विजयन बाला इज राइट आंसर। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर, ठीक है। दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर आरआरबी जेई या फिर आईबी या एसएससी सीजीएल के जिनके एग्जाम है सबके लिए, सारे बच्चों के लिए, एनआईए सीएल के भी बच्चों के लिए ये सारे क्लासेस हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। और 7:30 पे हम पढ़ते हैं डेली आकर करंट अफेयर्स, तो 7:30 पर भी आप मॉर्निंग में सीए पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हम कर रहे हैं आपके लिए ताकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए आप उसे आराम से कर पाए। अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, अच्छा रिस्पॉन्स मिला अभी तक, बच्चों के मेल आते हैं, बच्चे थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू हमें नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें एक मिठाई का डिब्बा चाहिए और आपका सिलेक्शन चाहिए, है ना। वैसे भी मैं ब्राह्मण हूँ और कहा गया है कि ब्राह्मण मधुरम प्रियम, तो अपना तो मीठा पसंद है ही आ जाता, और मुझे देख के लगता भी होगा तुम लोगों को, है ना। चलिए मिलते हैं 7:30 पे करंट अफेयर्स के लिए। अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए जितना आपने कभी नहीं किया। आपके घर वाले भी हैरान हो जाएं कि आप कितना पढ़ने लगे हो। आपके मन में एक चीज आ गई है, आपने ठान ली है कि आपको सिलेक्शन लेना है, और जिस दिन ये आ जाएगा ना, देखना चेहरे पे अपने आप खुशी रहेगी, तुम खुश रहोगे, तुम कुछ कर रहे हो। तुम नहीं पढ़ोगे और सिलेक्शन नहीं होगा, तुम दुखी रहोगे। तुमने पढ़ा, भले सिलेक्शन एक बार ना हो, लेकिन तुमने पढ़ा है, तुम्हें पता ये चीज। और मे बी कुछ फैक्टर्स हुए सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अगली बार जब होगा वैकेंसी या कुछ पेपर तो हम जरूर सिलेक्शन लेंगे। सच्चे दिल से हमने मेहनत की है तो भगवान भी इतना निर्दयी थोड़ी ना है यार, है ना। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, सबको गुड नाइट, और हाँ हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करिए। थैंक यू।